धमतरी में एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि कार में सवार तीन लोग धमतरी की ओर आ रहे थे, तभी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े ठेले में ठोकर मारते हुए साइड खड़ी हाईवा वाहन से टकरा गई। तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। डॉक्टर ने कुशल यादव को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार हादसे में मृत और घायल व्यक्ति एक ढाबे में काम करते थे और अपने मालिक की कार से धमतरी की ओर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। अभी एक्सीडेंट का मामला आया है, तीन लोग टोटल आए थे और एक तो उसमें मृत आया है ना, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और एक जो आया है उसको हाथ और पैर में चोट लगी है, फटा हुआ चोट है, बाकी वो ठीक है। और तीसरा वाला इंसान तो नॉर्मल है, उसको ज़्यादा कुछ चोट लगी नहीं है। ये करीबन 7:45 के करीबन हमारे पास आए हैं। घटना 6 बजे के आसपास की है, सियादेही के आसपास।